हमारे दोनों अलॉय व्हील्स आ चुके हैं। अलॉय व्हील्स की लुक आप देख सकते हैं, बाइक बहुत ही सुंदर। नंबर आप मेंशन भी कर देना, वैसे मेरा नंबर 8810। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग, होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज 2 साल बाद मेरे इंटरसेप्टर के अंदर ओरिजिनल आरी के अलॉय व्हील्स लगने वाले हैं। तो अलॉय व्हील्स लगने से पहले आप देख सकते हैं इसका लुक कैसा है। ये इसके अंदर पहले स्पोक व्हील्स थे और ये ट्यूबलेस नहीं थे, बट अब हम इसमें अलॉय व्हील्स लगा के इसको हम ट्यूबलेस करेंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग आ गए हैं श्री राधे गोविंदा ओखला में। यहाँ पर हमारी बाइक लग गई है, बाइक का काम स्टार्ट हो गया है। हमने अपने से जॉब कार्ड बना लिया था और देखते हैं इसमें कैसे व्हील्स को हम इंस्टॉल करवाते हैं। मैंने टायर खोल लिया है बाइक से और इसके अंदर अब हम न्यू अलॉय व्हील इंस्टॉल करने वाले हैं। हमारे दोनों अलॉय व्हील्स आ चुके हैं। ये हमारा रियर अलॉय व्हील था और ये वाला जो है हमारा फ्रंट अलॉय व्हील्स है। और जो रियर वाला है उसका MRP 9000 है और फ्रंट वाले की है 7500। तो दोनों मुझे अराउंड 16,500 के पड़े हैं। टायर स्पोक व्हील से बाहर आ चुका है, तो इसमें अब हम न्यू अलॉय व्हील इसमें इंस्टॉल करेंगे। मेरा रियर टायर ऑलरेडी ट्यूबलेस ही था, मैंने इसमें MRF जैपर डलवाया था, तो मैं सेम टायर को ही अपने अलॉय व्हील के अंदर इंस्टॉल करवाऊँगा। बट जो मेरा फ्रंट टायर है वो मेरा C8 का ट्यूब वाला टायर है, तो इसके अंदर मैं अभी फॉर अ टाइम बीइंग ट्यूब डाल के ही अलॉय व्हील के साथ इसको मैं भी चलाऊंगा। तो फाइनली मेरे न्यू अलॉय व्हील्स की अनबॉक्सिंग होने जा रही है। आपको जल्द दिखाते हैं कि मेरे अलॉय व्हील्स कैसे लग रहे हैं। और न्यू अलॉय व्हील्स की लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर। तो इसको देखते हैं बाइक के ऊपर इंस्टॉल करने के बाद इसका लुक कैसा आता है। तो फाइनली टायर इंस्टॉल हो चुका है, तो भैया इसका फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, इसका लीकेज टेस्ट कर रहे हैं, अलॉय कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है टायर इंस्टॉल करने के बाद। और जो हमारी ओल्ड स्पोक व्हील्स के डिस्क प्लेट और ABS प्लेट थी उनके डायमेंशन एग्जैक्ट सेम है, उनको बस अपने पुराने वाले स्पोक व्हील से उतारो और न्यू व्हील्स के अंदर इंस्टॉल कर दो। तो फाइनली भैया ने रियर टायर इंस्टॉल कर दिया है और फ्रंट टायर खोलने की तैयारी हो चुकी है। तो फाइनली भैया ने दोनों टायर्स इंटरसेप्टर के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो इनिशियल लुक कैसा कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी आपको जो एग्जैक्ट लुक होता है वो बाहर जाके दिखाते हैं। तो देखिए ये फाइनल लुक आ रहा है बाइक का, बाइक बहुत ही सुंदर लग रही है। और मैंने इसमें एक्चुअली बफिंग भी करवाई थी, तो बफिंग करवाने के बाद देख सकते हो बाइक कितनी चमक रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे हम शोरूम से ही निकाल के लेके आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर श्री राधे गोविंदा ओखला जिन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिया है। तो फाइनली बाइक रेडी हो गई है। करण भैया इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया है, मतलब बफिंग करवाने में, अलॉय व्हील्स अवेलेबल करवाने में, हर चीज़ में। तो भैया आप बताइए डिटेल्स, अगर किसी को अलॉय व्हील्स लेने हो या बफिंग करानी हो, सर्विस कुछ भी करवाना हो, तो कैसे लोकेशन है, क्या मेरा आप रिकमेंडेशन दे दें। मेरा नाम करण है, मैं यहीं मिलूंगा आपको श्री राधे गोविंदा ओखला फेज 2 में। मेरा नंबर आप मेंशन भी कर देना, वैसे मेरा नंबर 8810288211। उसके बाद अलॉय व्हील्स चाहिए हो, प्लस टूरिंग सीट्स चाहिए हो इंटरसेप्टर की,
एंड उसके बाद बफिंग कोटिंग सर्विसेज सारी अवेलेबल है, बस एक कॉल कर देना, मैं बस एक कॉल से या एक मैसेज दूर हूँ बस आप लोगों से। तो जैसे अभी इंटरसेप्टर या अलॉय व्हील्स अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो कोई लेना चाहे तो आपके पास स्टॉक पूरा है? बस मैं कॉल करिए, मैं आपको अवेलेबल करवा के दूंगा कहीं ना कहीं से भी अगर मेरे पास ना। बढ़िया ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। तो भैया ने काम बहुत बिल्कुल नई बाइक बना दी है, और जैसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी ट्यूबलेस वाली जो इशू था वो सॉल्व करवा दिए, वो भी रिजॉल्व कर दिया बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। ये अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।